हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोगों ने एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एक्सरसाइज में आज जो पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल 6.3 टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल है क्या? एक लाइन होता है टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट नॉर्मल एक लाइन है, जैसे मान लेते हैं आपका ये कर्व है, ये आपका एक्सिस है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। टेंजेंट का मतलब ये हो गया इस कर्व पर कोई एक लाइन है जो टच करते हुए से जा रहा है, कोई एक पॉइंट होगा इसका टेंजेंट पॉइंट। टेंजेंट पॉइंट जो होगा स्टूडेंट्स, वो एक ही टेंजेंट पॉइंट होगा किसी कर्व के लिए, दो टेंजेंट पॉइंट नहीं होंगे। जैसे मान लेते हैं सर्कल है, सर्कल पर टेंजेंट पॉइंट हमारे क्या होंगे? इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट टेंजेंट पॉइंट होंगे, ठीक है, वो इनफाइनाइट नॉर्मल होगा। मेरे कहने का मतलब ये है जिस पर ये लाइन टच करेगी वो एक ही पॉइंट होगा। जैसे लाइन हमारा टच करते हुए जा रहा है तो एक ही पॉइंट होगा। और टेंजेंट हमारा कैसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है टेंजेंट, टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है, टेंजेंट ऐसे भी हो सकता है। तो इसका ए पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हुआ, इसका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ये हुआ। तो यानी कि टेंजेंट पॉइंट आपका जो होगा, उस टेंजेंट पॉइंट पर हम लोगों को इक्वेशन फाइंड करना है टेंजेंट का। आप लोगों ने 11th में फार्मूला पढ़ा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू वन पॉइंट फार्मूला, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। यहाँ पर जो m है ना, वो आपका dy ओवर dx है। m का मतलब होता है स्लोप, tan थीटा। ये जो थीटा है आपका, ये एंगल विद x एक्सिस एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मेजर किया जाता है। जैसे आपने 11th में पढ़ा m की वैल्यू, m क्या होता था? स्लोप। स्लोप को आप लोग लिखते थे थीटा, जो m इज इक्वल टू टेन थीटा होता था, वो एंगल विद द एक्स एक्सिस विद एंटी क्लॉकवाइज। यानी कि आपके पास ये जो ये स्लोप होगा, इसका स्लोप ये होगा, इस तरह से आप स्लोप फाइंड आउट करोगे। तो स्लोप का मतलब क्या हुआ? आप जरूरी, जैसे मान लेते हैं आपके पास बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कन्फ्यूजन में होते हैं कि y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अगर इसका dy dx निकालें हम लोग तो 3x स्क्वायर हो गया, यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो ये कर्व का कुछ कर्व ये इस टाइप का बन रहा है, इसका कर्व कुछ इस टाइप का बनेगा, तो इसका टेंजेंट कौन सा होगा? यही कर्व होगा। अब ये कैसे x एक्सिस के साथ एंगल बनाएगा? एक कॉमन टेंजेंट ड्रा होगा स्टूडेंट्स, इनके बीच में एक कॉमन टेंजेंट ड्रा होगा, और वो टेंजेंट x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा, ये पता चल जाएगा ये एंगल हमारा क्या है, कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। जैसे आप लोगों ने सर्कल इक्वेशन में पढ़ा था 11th क्लास में कि दो सर्कल ऑर्थोगोनल यानी दो सर्कल परपेंडिकुलर कब होंगे, तो आप लोगों को वहाँ सिखाया गया था कि इसके जो ये अगर पाइथागोरस थ्योरम को एग्जिस्ट करता है तो यानी दोनों सर्कल ऑर्थोगोनल हो गए। सर्कल इस तरह से देख के थोड़ी लग रहा है आपको कि ये 90 डिग्री बना रहा है एंगल इनके, नहीं लग रहा है। ये कैसे पता चलेगा 90 डिग्री बना रहा है? यहाँ से एक लाइन और यहाँ से सेंटर से एक लाइन ज्वाइन करेंगे और ये पाइथागोरस थ्योरम अगर एग्जिस्ट कराएंगे तो हमारे पास से 90 डिग्री पता चल जाएगा कि 90 डिग्री है। ऐसे ये भी है, यानी कि किसी कर्व का अगर आप डी वाई डी एक्स निकालते हो तो एक स्लोप ऑफ टेंजेंट बनता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट बनता है, और विद एंटी क्लॉकवाइज, विद एंटी क्लॉकवाइज विद द एक्स एक्सिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। यानी आपका ये थीटा हो गया, इसी को आपको एम टेन थीटा, ये आपका हो गया एम इज इक्वल टू टेन थीटा, थीटा जो मेजर करेंगे, और इसी को बोलते हैं स्लोप, और इस स्लोप को यहाँ लिखेंगे हम लोग डी वाई ओवर डी एक्स। अच्छा, नॉर्मल क्या होता है? जब हमें टेंजेंट पॉइंट पता है तो इस पर एक परपेंडिकुलर लाइन जाएगा जिसको हम लोग बोलते हैं नॉर्मल। तो किसी भी कर्व पर कितने नॉर्मल होते हैं? जितने टेंजेंट होंगे उतने नॉर्मल होंगे, जितने टेंजेंट पॉइंट होंगे उतने आपके नॉर्मल के इक्वेशन होंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। तो कुछ फॉर्मूले मैं आप लोगों को पहले बताऊंगा कि फॉर्मूला किस तरीके से इसका देखते हैं। मेन होता है फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला आपको पता है टेंजेंट एंड नॉर्मल का तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 10 तक एक ही टाइप का क्वेश्चन है, स्लोप ही निकालना है तुम्हें। नहीं, सबसे पहले आप फॉर्मूला देखोगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ध्यान रखना, यहाँ एक वर्ड लिखने जा रहा हूँ, एट द पॉइंट एक्स वन वाई वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताया जा रहा है आपको। एट द पॉइंट का मतलब ये हुआ है कर्व है हमारा, इस कर्व पर एट द पॉइंट यानी x1 y1 इस कर्व पर है,
यानी x1 y1 इस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, ये आपका टेंजेंट पॉइंट है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा वो होगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, वेयर एम का मतलब आपका हो गया डी वाई डी एक्स। ठीक है, अगर मान लेते आपका नॉर्मल हुआ, नॉर्मल का इक्वेशन ये, अगर नॉर्मल हुआ ये तो आपका टेंजेंट था, तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाएगा y माइनस वाई वन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल x माइनस एक्स वन, क्योंकि आपको पता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर या फिर ऑर्थोगोनल, अगर दो कर्व परपेंडिकुलर है या ऑर्थोगोनल है तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन के बराबर होगा। कोइंसिडेंट या फिर पैरेलल अगर है तो उनका जो स्लोप होगा आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये आपको ऐसे भी लिखा हुआ मिल सकता है तो आप कंफ्यूज मत होना। डी वाई डी एक्स वन फर्स्ट का क्रम का स्लोप ऑफ टेंजेंट, दूसरे कर्व का स्लोप का टेंजेंट इज इक्वल टू माइनस वन, यानी आप इसको ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, डी वाई डी एक्स वन इज इक्वल टू डी वाई डी एक्स टू, ऐसे भी लिख सकते हैं। पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर टेंजेंट हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसे एक कर्व है हमारे पास, एक कर्व हमारा x एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस कुछ ना कुछ होगा, तो इस डिस्टेंस को हमने c मान लिया, तो y इज इक्वल टू c हो गया। और जब डिफ्रेंशिएट आप करोगे तो dy dx वाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि y इज इक्वल टू c, तो dy dx डी एक्स इज इक्वल टू c कॉन्स्टेंट है तो जीरो हो गया। अच्छा, इसको एक और लिख सकते हो, अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो y एक्सिस पे नॉर्मल है, y एक्सिस पे नॉर्मल और x एक्सिस के पैरेलल दोनों का सेम कंडीशन है, ऐसे ही पैरेलल टू y एक्सिस जब लेंगे हम लोग, पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो नॉर्मल किस पे हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा आपका एक्स एक्सिस पर। तो इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू जीरो। आप लोगों को ये सब पॉइंट्स लर्न करने होंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है, ये सारे कंडीशन का यूज है इसमें। अगर हमें कर्व का एंगल फाइंड करना हुआ तो एंगल फाइंड करने का भी फॉर्मूला होता है, जैसे दो कर्व है उन दोनों कर्व का बीच का एंगल कितना होगा, मैंने अभी आपको बताया, जैसे एक कर्व ये हो गया, एक कर्व ऐसा कुछ जा रहा है, तो अगर मान लेते हैं हमें इसके बीच का एंगल निकालना हुआ कि कितना एंगल बनाएगा, तो इसके बीच से एक कॉमन टेंजेंट पास करेंगे, और कॉमन टेंजेंट जो बनेगा इस एक्स एक्सिस साथ जो एंगल बनाएगा वो इन कर्व के बीच का एंगल होगा, क्योंकि कर्व के बीच का एंगल आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, तो कर्व के बीच का एंगल फाइंड करने के लिए आपको ये चाहिए, वो आपको इंटरसेक्शन पॉइंट भी चाहिए, तो कर्व का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाए, dy dx1 मिल जाए, dy dx2 मिल जाए, तो हमारा फॉर्मूला वही होता है tan थीटा जो आप लोगों ने 11th में पढ़ा, m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2, ये जो आपने फॉर्मूला पढ़ा था 10th 11th क्लास में। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग ये फाइंड आउट कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं, 1 2 एक टाइप का मैं 2 ले रहा हूँ, है ना, देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड देख रहे हैं स्टूडेंट्स, थर्ड बता रहा हूँ आप लोगों को, है ना। क्वेश्चन नंबर 3, वाई इज इक्वल टू दिया हुआ है हमारे पास एक्स क्यूब प्लस माइनस एक्स प्लस वन, एक ये लिया मैंने एट एक्स इज इक्वल टू टू, और एक क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं हम लोग, एक्स इज इक्वल टू ए कॉस क्यूब थीटा और वाई इज इक्वल टू ए साइन क्यूब थीटा, ये आपके पास है। अब देखिए दोनों पे हमें टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट और स्लोप ऑफ नॉर्मल निकालना है, इसका भी स्लोप ऑफ टेंजेंट और इसका भी स्लोप ऑफ नॉर्मल और स्लोप ऑफ टेंजेंट। देखिए कैसे निकालते हैं, कुछ नहीं करना, जो कर्व है उस कर्व का आप डिफ्रेंशिएट कर दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकल गया, और एट द पॉइंट दिया हुआ है, एट द पॉइंट का मतलब ये हुआ ये पॉइंट इस कर्व पर होगा, यानी ये कर्व को सेटिस्फाई भी करेगा। अगर आपको जरूरत है वाई की वैल्यू तो ए जो x इज इक्वल टू टू है आप यहाँ पुट कर दोगे तो आपको y की वैल्यू भी मिल जाएगा, यानी पॉइंट भी मिल जाएगा आपको। चलिए देखिए हम लोग इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, dy dx, जब dy dx करेंगे तो आ जाएगा 3x square minus 1, 1 का तो 0 हो जाएगा, एट x इज इक्वल टू टू, याद रखना स्लोप ऑफ टेंजेंट कभी भी x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट में नहीं होता, कोई ना कोई पॉइंट होगा वहां पे, चाहे एच के पॉइंट हो, चाहे x1 y1 पॉइंट हो, या कोई रियल नंबर हो, इस तरीके से आपको मिलेगा एट x इज इक्वल टू टू। जब x इज इक्वल टू टू आप पुट करोगे इस पे तो आपका आ जाएगा 12
माइनस वन इलेवन आ गया। तो आप देख सकते हैं टेंजेंट का जो स्लोप आया, स्लोप ऑफ टेंजेंट टी लिखा हुआ है, इस टी का मतलब हुआ स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा 11 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, इसका आप नेगेटिव रेसिप्रोकल कर दोगे, 11 बाई 1 है, इसको लिख दोगे 1 बाई 11 और ये माइनस, क्योंकि इनका प्रोडक्ट माइनस 1 के बराबर होना चाहिए। स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, स्लोप ऑफ नॉर्मल नेगेटिव रेसिप्रोकल, अगर ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आंसर, ये नेगेटिव है तो पॉजिटिव में आंसर, और नेगेटिव रेसिप्रोकल, इसीलिए नेगेटिव रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि रेसिप्रोकल भी करोगे, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, पॉजिटिव है तो नेगेटिव, आपको ये काम करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं टेंजेंट भी निकल गया, नॉर्मल भी निकल गया। अच्छा, एक मिनट के लिए अगर आपको पूछ लिया जाए इसमें, नहीं आप टेंजेंट का इक्वेशन बताओ या नॉर्मल का इक्वेशन बताओ, तो हमें पॉइंट की जरूरत पड़ेगी। फॉर्मूला क्या होता है मेरा, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम इन टू एक्स माइनस एक्स वन। ये क्या निकाल रहे हैं हम लोग, टेंजेंट निकाल रहे हैं स्टूडेंट्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट एक लाइन है तो लाइन का इक्वेशन निकाल रहे हैं, टेंजेंट लाइन का। अब y माइनस वाई वन, वाई वन का वैल्यू हमें पता होना चाहिए, x की वैल्यू 2 जब इसमें पुट करोगे आप, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस टू प्लस वन, 8 माइनस टू 6, 6 प्लस वन 7 आ जाएगा, यानी पॉइंट आपका आ जाएगा 2,7। तो ये आप लिख दोगे y माइनस सेवन इज इक्वल टू स्लोप की वैल्यू आप 11 और x माइनस टू, सॉल्व कर लोगे आ जाएगा, ये आपका टेंजेंट आ गया। अच्छा, नॉर्मल क्या होगा, अगर नॉर्मल निकालना होगा तो y माइनस सेवन इज इक्वल टू माइनस वन बाई 11 और x माइनस टू, ये हो गया आपका नॉर्मल, यहाँ से नॉर्मल आ जाएगा, यहाँ से टेंजेंट आ जाएगा। यानी अगर एट द पॉइंट आपको पता है तो आपको टेंजेंट और नॉर्मल निकालने में प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 लेते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म है, तो इसका पहले आप dx ओवर d थीटा निकालोगे, जब dx ओवर d थीटा निकालोगे a, ये आ जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा और cos थीटा का आ जाएगा माइनस साइन थीटा। इसका जब आप फाइंड आउट करोगे dy ओवर d थीटा, dy ओवर d थीटा जब फाइंड करोगे तो आपका आ जाएगा a कांस्टेंट, जब कोई कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होता है तो कांस्टेंट एज इट इज होता है, साइन क्यूब थीटा को आप लिखोगे 3 साइन स्क्वायर थीटा और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। इसको आप डिवाइड करोगे dy ओवर dx, जैसे डिवाइड करोगे dy ओवर d थीटा और होल डिवाइडेड dx ओवर d थीटा। अब dy ओवर d थीटा की वैल्यू हो जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा होल डिवाइडेड 3a कॉस स्क्वायर थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पे वैल्यू जब हमने पुट किया, वैल्यू पुट करने पर आप देख रहे होगे 3 कट गया, साइन साइन कट गया, कॉस कॉस कट गया, यह आ जाएगा माइनस टेन थीटा। अच्छा, डीवाई डी एक्स की वैल्यू आपका थीटा के फॉर्म में आ गया, यहाँ पे डीवाई डी एक्स की वैल्यू थीटा के फॉर्म में जो आया, थीटा की वैल्यू गिवेन है स्टूडेंट्स, थीटा की वैल्यू जो गिवेन है हमारे पास 5/4 एट थीटा इज इक्वल टू 5/4 आपकी बुक में गिवेन है। तो जो हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया माइनस टेन पाई बाई फोर और टेन पाई बाई फोर की वैल्यू हो गया माइनस वन। अच्छा, नॉर्मल क्या होगा आपका, आपने तो स्लोप पे निकाल दिया टेंजेंट का, नॉर्मल का स्लोप क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, तो नेगेटिव रेसिप्रोकल वन हो जाएगा। अगर आपको इक्वेशन फाइंड करना होगा तो इक्वेशन भी निकल जाएगा वाई माइनस वाई वन। अब वाई वन चाहिए हमें, वाई वन लाने के लिए हम लोग क्या काम करेंगे, थीटा की वैल्यू पाई बाई फोर है, यहाँ पाई बाई फोर आप पुट कर दोगे, जैसे यहां पाई बाई फोर पुट करोगे y इज इक्वल टू ए साइन क्यूब पाई बाई फोर, जो कि आप लिख सकते हो 1/√2, जिसे लिख सकते हो 1/2√2, क्योंकि 1/√2 का होल क्यूब करोगे तो ये आएगा y माइनस वाई वन की वैल्यू आ गया a/√2 और स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका आ गया माइनस वन और x माइनस एक्स वन की वैल्यू ऐसे लिख दोगे a/√2 यहां भी आ गया, सॉल्व कर दोगे आपका टेंजेंट का इक्वेशन आ जाएगा। नॉर्मल कैसे निकालोगे, बस ये चेंज हो जाएगा, ये जो माइनस वन है ना इसके प्लेस पे आप प्लस वन कर दोगे, हमारा नॉर्मल का इक्वेशन निकल के आ जाएगा। वैसे आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल के लिए इतना ही क्वेश्चन पूछ रखा है, लेकिन अगर आपका इक्वेशन पूछता है तो एक लाइन एक्स्ट्रा हो जाएगा आपका। यानी कि अगर आपके पास पॉइंट पता हो और स्लोप पता हो तो टेंजेंट और नॉर्मल निकालने के लिए हमारे पास बहुत इजी कॉन्सेप्ट है, जिससे हम स्लोप ऑफ टेंजेंट भी निकाल सकते हैं और स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल सकते हैं। चलिए कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। 7 में दिया पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक कर्व है और वो कर्व हमारा पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जैसे आपके पास दिया है वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x प्लस 7। और एक क्वेश्चन मैं और लिख देता हूँ साथ में, क्वेश्चन नंबर 8 में दिया है y इज इक्वल टू एक्स माइनस टू होल स्क्वायर और एक कर्व है हमारे पास, इस कर्व का एक टेंजेंट है और ये दो पॉइंट दिया हुआ है 2, 0
और 4 4। अब देखिए पहले तो क्वेश्चन नंबर आप 7 देखेंगे, फिर मैं आगे बताऊंगा। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, पैरेलल टू एक्स एक्सिस। स्टूडेंट्स पैरेलल टू एक्स एक्सिस का कॉन्सेप्ट आपको बता दिया गया, dy dx इज इक्वल टू 0। तो इसका जब dy dx आप फाइंड करोगे तो dy dx हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 9। 3 कॉमन लोगे आप, x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको फैक्टर करोगे तो आपका आ जाएगा x माइनस 3 और x प्लस 2, ये आ जाएगा dy dx। आपको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, जब पैरेलल टू एक्स एक्सिस होगा तो आपका dy dx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। dy dx इज इक्वल टू 0, आप x की वैल्यू निकाल सकते हो, तो 3 आ गया और एक माइनस 2 आ गया। अब x इज इक्वल टू 3 कहाँ पुट करोगे आप, पॉइंट पे पुट कर दोगे तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 27 माइनस 27 और माइनस 27 और प्लस 7। आप देख सकते हैं इससे कैंसिल हो गया, ये आपका माइनस 20 आ गया। तो एक तो पॉइंट आ गया आपका माइनस 2 कॉमा माइनस 20, 3 पुट किया स्टूडेंट, सॉरी 3 कॉमा माइनस 20, ये आंसर आ गया। अब माइनस 2 आप पुट करोगे y के प्लेस पे, जब माइनस 2 पुट करोगे तो आपका आ जाएगा माइनस 8 और ये आ गया आपका 12 और ये आपका आएगा प्लस 18, ये आपका आ जाएगा यहाँ पे प्लस 7। इसको आप सॉल्व कर लोगे तो आ जाएगा माइनस 20 और 26, तो 6 आ जाएगा आपका। ये आप देख सकते हैं, नहीं सॉरी स्टूडेंट्स, 18 और 7 हो गया 25 और ये आपका आ गया 20, तो यानी 5 आ जाएगा। तो इसका जो पॉइंट आ गया वो माइनस 2.5 आ गया। कैलकुलेशन आप चेक कर लेना। ये तो आपके पास पैरेलल टू एक्स एक्सिस का आ गया। लेट कर लो आपके पास टेंजेंट इक्वेशन निकालना हो तो टेंजेंट इक्वेशन भी आ जाएगा। आपके पास वाई माइनस वाई वन एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, एम की वैल्यू आप 0 लिख देना। y माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम की वैल्यू 0, x माइनस एक्स वन, ये वैल्यू पुट कर दोगे आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 में एक कर्व है और इस कर्व का जो टेंजेंट है ये किसी लाइन के पैरेलल है। आपको पता है टेंजेंट भी एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। जब दो लाइन पैरेलल होंगे तो दोनों के स्लोप आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब स्टूडेंट्स ये हमें निकालना है, ये वाली लाइन का स्लोप। अब इस लाइन का स्लोप कैसे निकाला जाए, आपको पता है स्लोप निकालने के लिए क्या कॉन्सेप्ट होता है, कुछ नहीं करना, dy dx निकाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। dy dx निकाल दो, स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। अब dy dx जैसे आप फाइंड करोगे ट्वाइस ऑफ x माइनस 2, 2 माइनस 1, अगेन डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0। अब इसका स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप के लिए तो फॉर्मूला आपका बन जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर कोई इक्वेशन होता तो इस इक्वेशन का डिफरेंशिएट कर देते स्लोप आ जाता, लेकिन पॉइंट गिवन है तो पॉइंट के लिए स्लोप का फॉर्मूला अप्लाई करोगे आप 4 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 2, ये आपका आ जाएगा 2। अब इन दोनों स्लोप आपस में क्या करोगे आप, इक्वेट करोगे। इक्वेट क्यों करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये है कि जो हमारा टेंजेंट है वो किसी लाइन के पैरेलल है, तो जो लाइन का स्लोप होगा, जो इसका लाइन का स्लोप और इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो आपस में इक्वल होंगे, यानी कि ट्वाइस x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, कैंसिल होकर के x माइनस 2 इज इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू 3 आ गया, तो y की वैल्यू आ जाएगा 1, तो पॉइंट आपका आ जाएगा 3.1, पॉइंट आ गया है आपका। तो अगर इसका इक्वेशन निकालना हुआ कि भाई नहीं आप इसका इक्वेशन निकाल लो, तो इसका टेंजेंट पॉइंट तो निकाल लिया आपने 3.1। जब टेंजेंट पॉइंट 3.1 निकाल लिया तो आप फॉर्मूले में पुट कर दोगे y माइनस y1 इज इक्वल टू m, m कोई भी लिख सकते हो, लेकिन ज्यादातर कर्व का ही लिखोगे, ज्यादा बेनिफिट में रहोगे। स्टूडेंट्स याद रखना इस चीज को, माइंड में बैठा लो, हमेशा जो स्लोप लिखोगे जो y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, पॉइंट तो पता चल जाता है, बच्चे स्लोप पुट करने में गलती कर देते हैं। स्लोप जब भी लिखना आप तो कर्व का लिखना, क्योंकि हम किसका स्लोप निकाल रहे हैं, टेंजेंट लाइन का, और टेंजेंट लाइन किस पर है, कर्व पर है, तो कर्व को ही सेटिस्फाई करेगा। यानी पॉइंट अगर निकालना हुआ तब भी हम कर्व में पुट करेंगे, और अगर मान लेते हैं हमें एम की जरूरत पड़ेगी तब भी हम कर्व का ही निकालेंगे, क्योंकि स्लोप और पॉइंट दोनों कर्व से ही निकलेंगे। अब हमारे पास क्या हो जाएगा, ये जो एम की वैल्यू है वो हम या तो ये वाला लिखो या ये लिखो, क्योंकि दोनों पैरेलल है तो दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, लेकिन एक कॉन्सेप्ट माइंड में बैठा लो कि हमें कर्व का ही लिखना है, आंसर दोनों पे सेम आएगा। आप देख सकते हो दो है ना, अभी देखना दो ही आएगा। आप यहाँ पुट करो एक्स की वैल्यू 3, जैसे x की वैल्यू 3 पुट करोगे 3 माइनस 2 1, देखो स्लोप आपका 2 आ जाएगा, और x माइनस x1 की वैल्यू आपका क्या आ जाएगा 3, आप सॉल्व कर दोगे आ गया आंसर। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं ये हमारे पास आंसर कैसे निकले। आपको बस एक चीज का ध्यान रखना है, जो भी वर्क